नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को इंतजार करने के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे आपसे, थोड़ा वेट करवाया। बताने की आवश्यकता नहीं कि वेट क्यों करवाया गया, घटना घट जाती है कभी कभी भारत में, हिंदुस्तान में, जयपुर में। भाई साहब मौसम बन रहा है बारिश का, तो नेट में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, इंटरनेट प्रॉब्लम चल गई, लेकिन अब वो पूर्णतया ठीक हो चुकी है। क्या आप सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे, फिर आगे चलते भाई। क्या मेरी प्यारी सी स्वीट सी कोमल सी आवाज सुनाई दे रही है भाई? आ जाओ भाई, सभी आ जाइए, फिर आगे चलते भाई। नमस्कार, राम राम भाई, सभी को गुड इवनिंग। जुड़ जाएं लगातार, धारदार हथियार लेके साथ में भाई साहब। सोनिका कुमारी राम राम बेटा, रवि कुमार, करण लवली डियर हाउ फियर, प्रवीण, सविता चौधरी, रवि कुमार, दिनेश, राहुल, योगेश, सोनल, ओपी मेहर, अक्षी जोशी, करण, राहुल, आरजे सिंह, भीमो और भीमणियों। चलो भाई, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आगे बाबूलाल करे तैयारी, घटना घटा दें। जी सर, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहें। तो भैया शुरू हो जाए वापस आग लगाने के लिए, मौसम बनाने के लिए भैया, और थोड़ी सी घटना घटाने के लिए। हमारी जो चर्चा चल रही थी आप लोगों के सामने, वो क्या चल रही थी, अंतिम पोर्शन था, थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशन मुझे लेना था, उसके बाद में आज इसको श्रद्धांजलि दे दी जाएगी। 2 मिनट का मौन धारण कर दिया जाएगा, कल कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, जो भी किया जाएगा बड़ा धुआंधार और बड़ा प्यारा सा किया जाएगा भाई, ठीक है? तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको केवल और केवल 2 चीजों पे फोकस करवाया था, एक बार रिवाइज में करवा रहा हूं। कल का जो पॉइंट अपना अधूरा रह गया था उसको अपन आगे बढ़ाते हुए चलेंगे भाई, सीखने के लिए बेहद ही बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था बेटा, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का चल रहा था। आपको पता हो जो पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था वो क्या था बाबूलाल? रिलेशनल, आपको याद होगा। और रिलेशनल में कुछ ही नहीं करना था, कथन के अंदर मोहब्बत ऑलरेडी दी जाती है कि पी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, कहीं ना कहीं ये मोहब्बत होती है। और उस मोहब्बत का ऑप्शन में एक बार तो बड़ा लिख दिया जाता है और एक बार बराबर लिख दिया जाता है, और इन दोनों को मिलाने के बाद अगर कोई चीज बने और वही क्या अगर कथन को सेटिस्फाई करती है तो बेटा दोनों के बीच में क्या लग जाता है या। लेकिन लेकिन पी के नीचे पी रहेगा और क्यू के नीचे क्या रहेगा, क्यू रहेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस घटना को थोड़ा सा अपने दिमाग में बढ़ा के रखिएगा भैया, क्लियर है? चलो भाई अंकित, नमस्कार भैया। चलो भाई ठीक है, तो ये तो एक पहला टॉपिक था, पहला पार्ट था, बड़ा आसान था, लेकिन जो दूसरा वाला कंसेप्ट था उसको समझना ज्यादा जरूरी था। उसको थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया जो सेकंड कंसेप्ट था वो क्या था भैया, नॉन रिलेटिव या नॉन रिलेशनल। वो कब कब होता है? जब किन्हीं 2 एलिमेंट्स के बीच में मगरमच्छ का मुंह यूं हो जाए और मगरमच्छ का मुंह ऐसे हो जाए। ध्यान रखिएगा, अगर मगरमच्छ का मुंह कुछ इस तरीके से होता है तो भैया करना क्या है? तो पहली कंडीशन क्या बोली थी कि बेटा दोनों के दोनों संभावना में होने चाहिए, याद होना चाहिए बेटा आप लोगों को। दूसरी कंडीशन, उनके जो चिन्ह है वो हमेशा क्या होने चाहिए, विपरीत। और तीसरी कंडीशन, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट। और चौथी कंडीशन थी कि कम से कम कितने चिन्ह होने चाहिए बेटा, 3 चिन्ह होने चाहिए, यानी कि बड़ा, छोटा और बराबर। तो यहां तक हमने पढ़ा हुआ था, बिल्कुल आप लोगों को पता है। अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ी घटना घटाने दीजिएगा, थोड़ा सा मौसम बनेगा, उसके बाद में आप घटना घटाएगा बेटा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कथन में दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बाबू। कथन आप लोगों के सामने है, पी बड़ा या बराबर है क्यू के, क्यू बड़ा है जैसे जे बराबर है टी के, टी छोटा या बराबर है एल के, और एल छोटा है एफ से। तो पहला आंसर आपका आया कि पी जो है वो बड़ा है किससे, एफ से। दूसरा जो क्वेश्चन आया वो क्या आया भाई, पी जो एफ जो है वो ग्रेटर देन है किससे बेटा, टी से। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा, क्यू इज ग्रेटर देन क्या, टी। और चौथा जो ऑप्शन आ जाएगा, एफ छोटा और बराबर है टी के। तो भैया प्लीज आंसर बताएं, सॉरी, पी छोटा या बराबर है किसके, एफ के। क्लियर है? आंसर आप बताएंगे फटाफट, अपने कॉपी में निशान लगाने के लिए स्टार्ट हो जाए बेटा, इसको चरम सीमा तक पहुंचा कर रहेंगे भाई, टेंशन मत लीजिएगा, पैसा बहुत है, चिल रहो। टेक्निकल रो जमानो फुलोरी बात छोड़ो, माही राहुल की सगाई की माला अभी रखी हुई है घर में, शाबाश
बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, भगवान करे फटाफट शादी हो जाए, पता चले बेटा हो क्या होती है घटना। चलो आंसर बताओ फटाफट, ओ छोरा हो फटाफट बता दो, खैर दो मीटर कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए भाई फटाफट। जल्दी आंसर आएंगे तो घटना घटेगी, नहीं आंसर आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा माही चौहान आपकी सगाई, बिल्कुल मुबारक है आप लोगों को। अच्छा दूसरा सही है आरजे सिंह, दो सही है प्रवीण भाई, आंसर आने चाहिए। क्या ये इन्हीं दो बालकों में टैलेंट है, बाकी बालकों का टैलेंट क्या सो गया, कहां चले गए वो देश के नौजवान, वो युवा पीढ़ियां, तुम्हें तुम्हारी माटी बुला रही है मेरे लाल मेरे पीड़ो काड़ुओ फटाफट आ जाओ। दो तीसरा सही है, एक और चार में आइदर केस है। अनिल यादव, यादव साहब बहुत बढ़िया आप लोगों का, बहुत ही बढ़िया आंसर है। राहुल साहब आपका, आरजे सिंह बहुत बढ़िया, विजेता मुदगल बहुत बढ़िया बेटा शाबाश, लगे रहे, इसी को कहते हैं टैलेंट, कूट कूट के भरा है, डुल रहा है भाई बाल्टियों में तुम्हारा। देखो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ज्यादा तो समझेंगे नहीं, थोड़ा ही समझेंगे बाबू, ज्यादा समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कहना क्या चाहता है, ये एक लाइन में सेट है तो इसको सेट ही रखो भाई, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको सेट रख दो। क्या कह रहा है कि पी इज ग्रेटर देन एफ, तो बाबू रे पी से एफ तक अगर मैं मोहब्बत की तरफ लेके चलूं तो मगरमच्छ का मुंह एक इधर अरब आरा एक इधर, तो भाई ये वाला जो कंसेप्ट है वो तो हो जाएगा संभावना। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसके आगे लिखिएगा एन आर नॉन रिलेटिव, ताकि आपको पता रहे कि नॉन रिलेटिव में चार जुगाड़ लगने वाले हैं, ठीक है बाबू। देन द अनादर इज की एफ इज ग्रेटर देन टी, तो बेटा एफ टी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ो बड़ो, तो एफ टी से भाई रे बड़ा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है क्यू बड़ा है किससे, टी से, और क्यू बड़ा है किससे, टी से, तो क्यू इज ग्रेटर देन टी, तो क्यू इज ग्रेटर देन टी, क्लियर। अब आगे ऐसे बोल रहा है कि एफ छोटा या बराबर है किसके, एफ पी, एफ सॉरी पी छोटा या बराबर है एफ के, पी और एफ के बीच में भी क्या आ जाएगा बेटा, संभावना आ जाएगा एन आर नॉन रिलेशनल। अब आपका पहला धर्म यह बनता है, पहला धर्म यह बनता है कि भैया दोनों तो सही है लेकिन यह भी नॉन रिलेशनल है, यह भी नॉन रिलेशनल है, तो यहां पर अपने चारों जुगाड़ लगाओ, चूंकि पहला जुगाड़। हाँ बाबूज, तो ये सवाल आपके आंखों के सामने थोड़ा सा मैंने दिया है, देखिए इसका आंसर आप बताइएगा कि आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, कैसे भी जुड़कर बताएं, वहां नहीं चलेगा कभी भी। हाँ करो यार प्लीज, सामने दिखेंगे नहीं तो मजे नहीं आने वाले। आंसर बताओ भाई, मैं कमेंट बॉक्स में देखकर बता रहा हूं किस किस के आंसर है। हाँ मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आराम से, इशू नहीं, अब मेरी टेंशन मिल जाएगा। चल गया बाबू, ओके कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, आंसर आप दीजिए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब भाई इंटरनेट वाली बात है, मेरे ही समय क्यों होता है, मुझे भी ये समझ में नहीं आता भाई, मैं माफी चाहूंगा, है ना, ये मेरे ही समय होता है तो मैं माफी चाहूंगा भैया, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, घटना नहीं घटती, नेट की प्रॉब्लम रहती है, शाम तक आते आते इंटरनेट भी थक जाता है बेचारा। आप तो सतुनों में फेल हो जाओ जरे भाई हो। आंसर पे ध्यान दीजिए, मुझे आंसर बताइएगा आप लोग, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उत्तर दीजिए, उसके बाद में घटना घटाते हैं बेटा। एक बार पढ़ता हूं कमेंट्स, एक और तीन, एक तीन आयदर दो चार, ठीक है दिनेश का, करण का,
राहुल सिंह, ठीक है बेटा, ओके ओके, चलो मैं करके बताता हूं एक बार, करने से होगा, बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होगा, तो करो भाई, कैसे नहीं होगा, होगा, देखो समझना, यहां घटना घट रही है कैसी ऐसी। सबसे पहले जे की और एफ की बात करते हैं, ये कह रहा है जे बढ़ाए एफ से, लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं कि यहां पर क्या कंसेप्ट है, तो बिल्कुल जे या तो बड़ा है या बराबर होगा किसके, एफ के, या तो बड़ा या बराबर। तो बेटा इस वाली बात को तो आप संभावना में ले जाएंगे, लेकिन संभावना है ये रिलेशनल, क्योंकि जो दे रखा है एज इट इज इसमें से तो उतार कर इसको दे रखा है भाई। अरे भाई ये बाप है, इसका एक हिस्सा इसका बेटा, नीचे आकर उतर रखा है भाई, समझने वाली बात है। दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जो टी है वो बड़ा है जैसे। अब टी और जे की बात बताएं तो बेटा इनमें मगरमच्छ के मुंह उल्टे सीधे हैं, तो बाबू यहां पर भी आंसर क्या होगी, संभावना होगी, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है यहां पर संभावना होगी नॉन रिलेशनल। कौन सी होगी, नॉन रिलेशनल, क्योंकि यहां पर इनका कोई हिसाब किताब नहीं बैठेगा। फिर ये बोल रहा है कि जे बराबर है एफ के, तो भैया ये भी संभावना है, और संभावना तो कौन सी होगी बेटा, ये होगी रिलेशनल, टी और जे, तो टी और जे में भी संभावना है बेटा, तो यहां पर चारों संभावना है, लेकिन यह है नॉन रिलेशनल। अब आप थोड़ी सी अपने दिमाग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रिलेशनल की बात बताता हूं इसकी और इसकी, तो इन दोनों को देखेंगे तो बेटा देखो जे एक बार तो बड़ा है एफ से, और जे एक बार बराबर है किसके, एफ के, और दोनों को मिला दूंगा तो क्या होगा, जे या तो बड़ा या बराबर होगा एफ के, और ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां पर तो लग जाएगा या, यानी आइदर फर्स्ट और आइदर थर्ड इज फॉलोइंग, ठीक है। अगर मैं सेकंड बात करता हूं इसकी और इसकी नॉन रिलेशनल की, तो बेटा टी के नीचे टी है और जे के नीचे क्या है, जे है, अच्छी बात है, ये बड़ा है और ये छोटा है, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबू रे कम से कम तीन चिन्ह चाहिए होते, यहां पर केवल दो ही चिन्ह, तो ये कंसीडर नहीं होंगे, ये दोनों अपने आप गलत हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, या तो पहला या तीसरा, आइदर फर्स्ट और आइदर थर्ड इज फॉलो, क्लियर है बाबू। घटना घटाकर जा रहे हो, ये गलत है, कौन घटना घटाकर जा रहा है भाई, जिसे समझ नहीं आता वो नार्थ के क्लास में जो रेगुलर रहेगा वही टिकेगा बाबूज, बिल्कुल ठीक है, ओके थैंक यू। एक क्वेश्चन और, अंतिम क्वेश्चन और, फिर अपन प्रैक्टिस सेशन पर चलेंगे बाबू, इसका अंतिम क्वेश्चन और है, और इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर बता देगा उसको एक डेयरी मिल्क चॉकलेट, और भाई रे जिन बच्चों को चॉकलेट नहीं चाहिए वो लिखकर बता दो, कुबेर, मिराज, जो भी आप चाहो वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसकी जो इच्छा हो, ठीक है, पर आंसर सही होना चाहिए रे भाई। देखो समझना, कथन आपकी आंखों के सामने आ रहा है तड़कता भड़कता, सफेदी की चमकार में आएगा भाई, देखना भाई, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन टी, देन टी लेस देन जे, देन जे लेस देन इक्वल टू एफ, कितना प्यारा प्रश्न है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घटना घटती रहती है, मौसम ऐसे ही बनेगा अपना, चिल रहे हैं आप, बेफिक्र रहे हैं। ओके बिल्कुल मौसम, अरे वाह भाई गुलाब जामुन वाह। ओके ओके आंसर आने दो, ठीक है ऑप्शन में लिखता हूं, चलो भाई आंसर बताओ, सवाल दिया गया है आंसर बताइएगा, हो सकता है कभी कभार आपको मेरी सूरत नहीं दिखाई दे, उस समय मैं आपके कमेंट पढ़ रहा रहूंगा, आपके आंसर्स देखा रहूंगा, तो आप घबराएगा नहीं, सवाल आपके सामने है आंखों के, आप घटना घटाते रहे बेटा, क्लियर है। राम राम स्मृता चौधरी, सुमित्रा चौधरी, राम राम भाई, राम राम, हाँ।
खेचो भाई खेचो भाई, ये मैनेजमेंट का काम है किसकी क्लास लगवानी है किसकी नहीं लगवानी, इसमें प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना समय बर्बाद ना करें कि भैया किसकी क्लास लगवानी है। आप मैनेजमेंट को बोलिएगा उसी की क्लास लगेगी, घबराए नहीं। मेरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप मेरी बात क्या करेंगे, घटना समझ में नहीं आ रही हो तो बताएं भाई, आंसर बताएं तुरंत। ओल संभावना बलबीर बुनकर, बाबू ओल संभावना तो है लेकिन ओल संभावना में आंसर क्या है, एज इट इज संभावना तो है लेकिन आइदर केस बनेगा कि नहीं बनेगा, अंतिम क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहीं तक तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, इसके बाद वो भी थकार के पड़ जाएगा कि भाई अब नहीं है बस की। योगेश चौधरी कह रहे हैं फर्स्ट इज राइट, सही बात है भाई, फर्स्ट राइट बोल रहा है भाई। बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट राइट ही होगा, क्यों नहीं होगा। इसी पर एक और ऑप्शन दूंगा, इसको देखते हैं बेटा, पहले समझें इसको, देखिएगा क्या कह रहा है, हल्का सा ध्यान दें। ये बोल रहा है कि P बड़ा है T से, तो भैया P से T तक जाते वक्त बिल्कुल बड़ा है तो पहला तो हो गया सही, और Q बड़ा है F से, तो भैया Q में और F में मगरमच्छ का मुंह उल्टा सीधा है, ये संभावना में चला जाएगा और संभावना में चला जाएगा नॉन रिलेटिव में, ठीक है। P बराबर है T के, तो भैया अगर मैं बात करता हूँ P बराबर है T के, तो बाबू रे ये भी किस में चला जाएगा, संभावना में, लेकिन ये चला जाएगा रिलेशनल वाले में। और Q छोटा या बराबर है किसके, F के, तो Q और F में भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी संभावना है और नॉन रिलेशनल, पहला सही है, दोनों नॉन रिलेशनल है, मगरमच्छ के मुंह उल्टे सीधे हैं और क्यू के नीचे क्यू है, एफ के नीचे एफ है, तीन चिन्ह है, तो इन दोनों में आइदर लग जाएगा, तो या केवल पहला या तो दूसरा या चौथा अनुसरण करता है, क्लियर है। इसी प्रकार एक अंतिम क्वेश्चन और इसी तर्ज पर, उसके बाद में थोड़ा सा मेरा मन नहीं भर रहा भैया समझाते हुए कि भैया मैं एक दो प्रश्न और कराना चाहूंगा। टी बड़ा या बराबर है जे के, जे बराबर है एल के, एल बड़ा है एस से, एस छोटा या बराबर है किसके, एफ के, तो बाबू स्टार्ट हो जाइएगा, टी जो है वो बड़ा है किससे, एल से, और दूसरा बोल रहा है भाई कि एल छोटा है एफ से, और नेक्स्ट बोल रहा है कि टी जो है वो बराबर है एल के, और चौथा बोल रहा है कि भैया जो एल है वो बड़ा या बराबर है एफ के, बताओ भाई फटाफट इसका आंसर बता दे भाई, आंसर बता दीजिएगा। एक तीन में संभावना थी मोनिका स्वामी, हां बिल्कुल संभावना थी, भीमणी को तो देखो ही कौन गुरु, अरे बिल्कुल भीमणी कैसी बातें करते हैं, आपका आंसर बिल्कुल हमारे जहन में, घबराए नहीं। बता दो भाई बता दो आंसर, बताओ ऑप्शंस आने चाहिए आप लोगों के, क्या आ रहा है। सही लैंग्वेज में आंसर आना चाहिए बेटा, बाबू रे बचीड़ बोले मोरिया बोले, मोरिया तो बोला कर बिरा, दो चार में आयदर और ओके, उसके बाद भीमणी एक तीन आयदर और दो चार नॉन रिलेशनल पॉसिबिलिटी, बाबू पॉसिबिलिटी तो है पर आयदर केस होगा कि नहीं होगा मैं ये पूछ रहा हूं। चार गलत है, अच्छा चौथा गलत है, ठीक है भाई देखते हैं चौथा गलत है क्या कह रहा है भाई, चौथा गलत है। देखो समझो, समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने आप को समय दें, वक्त दें, और जब वक्त देंगे तो घटनाएं ऐसी घटेंगी। कैसे समझेंगे देखना भाई, देखिएगा कि यहां से ये कह रहा है कि टी बड़ा है एल से, तो पहली बात तो आप इन दोनों को देखो, टी बड़ा या बराबर है किससे, जैसे, तो टी बड़ा भी होगा एल से, संभावना है, आप इसे संभावना लिखेंगे रिलेशनल, क्योंकि जो दे रखा है उसी का टुकड़ा नीचे है। उसके बाद क्लियर अगर मैं बात करता हूं तो मैं छोड़ो दूसरे को, मैं तीसरे ऑप्शन पे आता हूं, देन अगर मैं तीसरे ऑप्शन पे आता हूं तो बाबू
टी बराबर है किसके, एल के, और टी बराबर है एल के ये भी रिलेशनल संभावना है, और आपको अच्छी तरह पता है कि टी के नीचे टी है, एल के नीचे एल है, एक बार बड़ा एक बार बराबर, और वही चीज कथन में है तो इन दोनों में तो लग जाएगा या आइदर केस, तो या तो पहला और तीसरा अनुसरण करता है। तीसरी बात, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जाता हूं तो ये ऐसे कह रहा है कि एल जो है वो छोटा है किससे, एफ से। तो बाबू मुझे बताओ एल से एफ तक जाते वक्त एक बार तो मगरमच्छ का मुंह यूं है और एक बार मगरमच्छ का मुंह यूं है, और जहां पर किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में मगरमच्छ का मुंह यूं आता है तो आप ये नहीं बता सकते कि छोटा है कि बड़ा है, आप ये भी नहीं बता सकते कि बराबर है भैया, तो तीनों कंडीशन में आप हमेशा क्या बोलेंगे, संभावना। तो बाबू यहां पर मैं इसको अलग कलर से डिनोट करूंगा, यहां पर जो संभावना है वो नॉन रिलेशनल वाली है, और यहां पर भी एल बड़ा है या बराबर है एफ से ये भी नॉन रिलेशनल वाली है, तो ये भी संभावना क्या होगी, नॉन रिलेशनल। नॉन रिलेशनल में चार जुगाड़ चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। पहला जुगाड़ तो संभावना थी, तीसरा जुगाड़ है बेटा कि एल के नीचे एल है, एफ के नीचे क्या है, एफ है, ठीक है। तीसरा जुगाड़ है कि भैया इनके मुंह विपरीत होने चाहिए, विपरीत है, और कम से कम तीन जुगाड़ होने चाहिए, तो तीन जुगाड़ है, तो भैया इन दोनों के बीच में भी या लग जाएगा। तो जो ओरिजिनल आंसर होगा वो क्या होगा, या तो पहला या तीसरा तथा या तो दूसरा या चौथा अनुसरण करता है, या तो पहला या तीसरा तथा या तो दो या चौथा अनुसरण करता है। जिन जिन मेरे सभी भाइयों और बहनों का यह आंसर था उनको कतई तरीके से अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस टॉपिक में उनको कभी भी डाउट नहीं होगा, यह मेरा वादा है। आप लोगों से कंप्लीट पढ़ाया है, कंप्लीट शुरू से लेकर एंड तक, ऐसी कोई घटना नहीं है जो मैंने आप लोगों के साथ नहीं घटाई हो बेटा। क्लियर है, क्या मैं समझा पाया बता दे मुझे। तो किसका था भाई, सुरेश कुमार, आरजे सिंह, राहुल सिंह, प्रवीण, आरजे, राहुल, बलबीर, लवली डियर, ठीक है बेटा। तो बाबू ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको अंदर से आवाज आ रही होगी कि भाई रे क्लियर है। मैं ये कहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, एक बार टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद में दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लो रीजनिंग की। पर्टिकुलर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप किसी स्पेशल राइटर की देखें, खैर अपनी तो किताब आई नहीं और पता नहीं चले भाई साहब मार्केट में आएगी भी कब, समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि भैया कट कॉपी पेस्ट करना तुम्हारे भाई की फितरत है नहीं, और हर चीजों में समय लगता है। जिस दिन आएगी सभी भाइयों बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, लेकिन पता नहीं भाई अभी तक तो अंदर से कुछ फीलिंग आ नहीं रही लिखने की, लेकिन फिर भी मैं जो भी बात बता रहा हूं किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ लो, आंख बंद करके यूं लो ये लो और टेक दो, अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भाई तुम मेरे पास लेके आना, पहली बात तो तुम उसको खुद बचीड़ लगा दोगे, तुम उसके खुद आग लगा दोगे भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब तक यहां से कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताएं, उसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे का प्रोसेस चेंज करूंगा भाई। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे एक बार बता दे भाई। सुमित्रा चौधरी, सिंघम सर जी आपकी क्लास मैंने 2017 के बाद आज ली है फर्स्ट बार, इसलिए थोड़ा कम समझ आया है, इसलिए आपकी क्लास डेली कितने बजे लगती है। बेटा मेरी क्लास डेली शाम को 6 से 7 होती है। 2017 में आप कहां पढ़ते थे बाबू मेरे पास, थैंक यू भैया थैंक यू। 17 के बाद आज लिए, 17 के बाद तो मैंने बहुत क्लासेस लिए बेटा ऑनलाइन, क्लियर है। तो भैया अब थोड़ा सा वास्तविकता के दौरे पर आते हैं, और अब आपके पास में हूबहू वो की वो कंडीशंस जैसा ये एग्जाम में आता है, आपके दिमाग में हो रहा होगा कि यार कैसे आता है, कंडीशन कैसे दी जाती है, हमें कैसे करना होता है। तो भैया मैं आपको बता देता हूं कि मौसम कैसे बनेगा आप लोगों का, ये देखिएगा सवाल आपके आंखों के सामने, पहले इस सवाल को थोड़ा सा ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर इस सवाल में यह दे रखा है कि चिन्ह, और चिन्ह ये कह रहा है बाबू कि क्या कह रहा है भाई, देखते हैं कि भाई कुछ तो कहे। ये ऐसे कह रहा है कि भाई यहां पर एक तो कॉपीराइट का साइन दे रखा है, एक एट द रेट ऑफ का साइन दे रखा है, एक हैशटैग का साइन है, एक डॉलर साइन है, और एक स्टार का साइन है, ठीक है, इनका प्रयोग करके नीचे दिया गया है। ये ऐसे बोल रहा है कि ए एट द रेट ऑफ बी,
ध्यान दीजिएगा, ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है कि ए या तो बी से बड़ा है या उसके समान है। तो बाबू आपको अच्छी तरह पता है आपको कमरा लेना होगा, और आपको कमरा जब लेना होगा तो उस कंडीशन को शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना होगा। ये मैंने आपको बता रखा था पहले कि ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए या तो बी से बड़ा या उसके समान है। तो बेटा एट द रेट ऑफ अपने वाले कमरे में आ जाएगा यहां पर इस जगह। सेकेंड बात, डॉलर साइन, ए डॉलर साइन बी का अर्थ है कि ए या तो बी से छोटा है या उसके समान है। तो भाई डॉलर साइन इधर इस कमरे में आएगा, जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था, जो जुगाड़ मैंने बताया था ना एग्जाम में करने का बेटा, तो प्लीज वो की वो बात बता रहा हूं। ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए न तो बी से बड़ा और न छोटा, तो न तो बड़ो और न छोटो, तो भाई बराबर है लो, तो ये हैशटैग यहां पर आ गया इस तरीके से। ठीक है, अगला कंसेप्ट अगर मैं बोलूं तो भैया अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है कि भैया ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है। तो बेटा स्टार अपने पास में यहां आ गया ये स्टार, और अब आपको पता है कॉपीराइट का मतलब है ये छोटा है, तो कॉपीराइट का मतलब है ये छोटा है। क्लियर है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिब्बा बन गया। इन कंडीशन पर अब आपको पहला सवाल दिया जाएगा, तो पहला सवाल भैया आपके आंखों के सामने ये रहा। सवाल है थोड़ा सा, इसको आप चाहे तो मैं जूम कर सकता हूं इसकी वास्तविक स्थिति से। ये लो, सवाल दिख रहा होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो भैया मैं यहां पर इसका एक छोटा सा कमरा बना देता हूं। मुझे पीछे वाले पेज में जाना होगा एक बार, वही जो दिक्कत आती है, लेकिन यहां तो मैं बता ही सकता हूं आपको स्टार कॉपीराइट एट द रेट ऑफ डॉलर साइन। तो भैया स्टार कॉपीराइट एट द रेट ऑफ डॉलर साइन और यह हैशटैग, साइन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताएं आंसर, सवाल का आंसर क्या होगा प्लीज। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, स्टार कॉपीराइट एट द रेट ऑफ डॉलर साइन और ये क्या हो गया भैया हैशटैग। तो ये स्टार कॉपीराइट एट द रेट ऑफ डॉलर साइन और हैशटैग, तो ये सवाल आपके सामने है, कंडीशन है, क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं। हर बार लिखना पड़ेगा ना अपने को, स्लाइड है, परमानेंट तो होती नहीं है, और स्लाइड को देखना पड़ेगा बाबू। क्लियर? आंसर मुझे बताएं, समझ में आ रहा होगा प्लीज। पहला राइट, दूसरा पॉसिबल, रवि कुमार शर्मा, बिल्कुल खामखा की फालतू की बातें ना करते हुए क्लास में पूरी तरीके से ध्यान, और जो बच्चे का ध्यान होगा उसी का आंसर सबसे पहले आएगा। शानदार तरीके से आंसर दिया बेटा। सविता चौधरी, दोनों सही है, ओके बेटा आपकी भी बात को ध्यान में रखा जाएगा। रवि कुमार शर्मा, दोनों राइट है, शाबाश, क्लियर। देखते हैं बाबू क्या कहना चाहता है यह सवाल। दोनों राइट है, दोनों राइट है, एक बार सबके आंसर आ जाए उसके बाद में मैं यहां पर आप लोगों से मोहब्बत करना चाहूंगा भैया, यहां पर घटना घटेगी बढ़िया वाली सवाल के साथ। तो प्लीज स्टार कॉपीराइट, ये हो गया हैशटैग, ये एट द रेट ऑफ और ये डॉलर साइन, एक बार कॉपी में लिख ले, मैं तो दोबारा लिखता रहूंगा, घबराए नहीं, दोनों ही सही है बाबू रे। ओके ओके लाला, ओके गदाधारी भीम रे, कैसा है रे, देखो समझिएगा, कथन ऐसे कह रहा है कि M डॉलर साइन R, डॉलर साइन का सीधा सीधा मतलब है कि M जो है वो छोटा या बराबर है किसके, R के। तो बाबू मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या कि M छोटा या बराबर होगा किसके, R के, ठीक है। देन R कॉपीराइट P, इसका मतलब है जो R है वो भी छोटा है किससे, P से, तो R छोटा हो गया P से। देन P हैशटैग Q, और जो P है वो बराबर है Q के। तो भाई साहब आपके सामने मोहब्बत आ गई तगड़ी वाली। ये पहला ऐसा कह रहा है कि Q स्टार M, इसका मतलब है कि जो Q है वो बड़ा है किससे, M से। और नीचे वाला कह रहा है कि R कॉपीराइट Q, कि भैया R जो है वो छोटा है किससे, Q से। तो Q बड़ा है M से, Q से M तक जाते वक्त बाहर है छोटो छोटो, तो Q तो अपने आप ही बड़ो हो गया भाई, दे ठकोरा इसके तो। और R छोटा है Q से, तो Q बड़ा होगा R से, तो भाई रे ये भी ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही होंगे, दोनों ही आंसर सही होंगे, जिस जिसके हैं बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है बेटा। बिल्कुल, बोथ आर राइट, दोनों ही सही हैं, कोई भी अतिशोक्ति नहीं है इसमें। तो अगला सवाल आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करते हैं।
ये रहा भाई, ये आपका कमरे की साइन है, स्टार कॉपीराइट एट द रेट ऑफ डॉलर साइन, बीच में हैशटैग, और ये क्वेश्चन है। प्लीज आंसर बताएं फटाफट, आंसर बताएं, सवाल आपकी आंखों के सामने भाई, इसका क्या आंसर होगा, क्लियर कर दें। चीजों को आसान रहने दें, चीजों को सीखने की कोशिश करें, पिछले 3-4 दिन से जो मेहनत करें उसको बेकार न जाने दें बेटा। कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ें, आंसर आपको हमेशा सही मिलेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, घबराएगा नहीं। थैंक यू गदाधारी भीमणी, थैंक यू बेटा। राहुल सिंह क्या कह रहे हैं भाई, बार बार रोंग क्यों आंसर, सही था, दोनों सही थे बेटा। अंकुर पहला सही है, ओके, बोथ आर रोंग, ठीक है, आंसर आ रहे हैं भैया, क्लियर करते रहें, साथ में साथ जुड़ते रहें, बताते रहें, मजा आने लगेगा जब इनसे, मतलब आप दिल लगा के पढ़ोगे ना बेटा, तो ऐसा कोई चीज नहीं जो कठिन है। रीजनिंग, मैंने हमेशा बोला है कि रीजनिंग इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स ओनली परफॉर्मेंस। अगर यह सब्जेक्ट होता तो भाई रे किसी ने किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी द्वारा इसकी डिग्री दे जा रही होती, तुम इसमें एमएससी या एमए कहीं ना कहीं कर रहे होते, समझ रहे हो, कोई गलत कांड करके आते हो, पिताजी से बचने का जुगाड़ ढूंढना, यह भी एक रीजनिंग है, ठीक है। आप जा रहे हो और फाटक, रेलवे फाटक लगने वाला, और उसमें गर्दन नीची करके खट देनी से कट मार के मोटरसाइकिल निकालना, यह भी रीजनिंग है। बाबूलाल रोड पे चलते चलते किसी स्कूटी का पीछा करना, यह भी रीजनिंग है। तो जितना तरीके से सोचोगे, जितने अलग ढंग से सोचोगे, सब रीजनिंग है, सब लगा दो भाई साहब, इसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं है बाबू, जैसे आंसर देने वैसे दो, साम दाम दंड भेद आंसर सही आना चाहिए, शाबाश। पहला रोंग है, दूसरा राइट है, दोनों पॉसिबिलिटी है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भैया, यानी अब मुझे थोड़ा सा यहां पर तुम लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा। कोई अनुसरण नहीं करता, रवि बोथ आर नॉट फॉलो, ओके, सुमित्रा सिंह ठीक है, माला चंदेल ठीक है बाबूज, अच्छा देखते हैं क्या कह रहा है भैया, देखते हैं, इसकी भी सुन लो एक बार, इसकी भी सुन लो भाई, अब की बार यार यो गुलाबी नहीं, गुलाबी दिखेगा नहीं, ये ठीक है, चलो की बार ये ऐसे कह रहा है कि एच हैशटैग एन, और हैशटैग का मतलब है बराबर, तो आप चाहे तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि जो एच है वो बराबर है किसके भाई रे, एन के, तो ये हमने लिख लिया एन, ठीक है, एन एट द रेट ऑफ पी, और एट द रेट ऑफ पी का मतलब है भैया एन बड़ा या बराबर है किसके, पी के, देन पी कॉपीराइट वी, और पी भाई रे छोटा हो गया वी से, तो मौसम ऐसा ही बना होगा, सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों का मौसम इसी तरीके से बना होगा भाई, और पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वी स्टार एन, अरब आ रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि वी जो है वो बड़ा है किससे, एन से, तो भैया वी एन से बड़ा है कि नहीं है, देखते हैं, शाबाश बहुत अच्छे, देखते हैं भैया वी में और एन में, तो मेरे लाल मेरे पीड़ो, वी में और एन में मगर मुझको मुंह इधर उधर, संभावना है, संभावना नॉन रिलेशन वाली संभावना, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पी डॉलर साइन एच, इसका मतलब है कि पी छोटा या बराबर है किसके, एच के, तो भैया मैं ऐसे कह सकता हूं ना, इसको उल्टा कर सकता हूं कि एच या तो बड़ा या बराबर होगा किसके, पी के, भाई डॉलर साइन का मतलब है छोटा या बराबर, तो पी छोटा या बराबर है एच से, तो एच बड़ा या बराबर होगा पी के, तो भैया सीधी सी बात है, जब एन बड़ा या बराबर है पी के, तो एच भी बड़ा या बराबर होगा पी के, तो ये दूसरा सही है भाई। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यार आप लोगों के आंसर ठीक नहीं आए, कुछ लोगों के तो बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, आपको शायद पता नहीं इस बात का कि ऑफलाइन में जिस शिद्दत से पढ़ाया जाता है ना बेटा, जितना जोर आता है उससे 10 गुना ज़्यादा मानिएगा कि ऑनलाइन में ही लगता है भाई जोर, आप समझें टीचर की, आप भावनाओं को समझिएगा, खेल नहीं है ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाना, मैंने हमेशा बोला है एक सुनसान से कमरे में एक सामने कैमरे जैसा मुँह होता है, बस उसके सामने चिल्लाना होता है, इमेजिन करना होता है कि मेरे भाई बहन सब सामने बैठे हैं, तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए यार।
ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आंसर सही देने की कोशिश करें, कोई दिक्कत है तो यार मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको कभी कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो मैं नहीं बताता, ऐसा आप बता दे कभी अगर ऐसा हुआ हो, किसी ने मुझसे पर्सनल लेकर कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने यहाँ नहीं बताया हो तो बेटा, तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा यार, तकलीफ होती है कि जब कोई क्वेश्चन का बच्चा आंसर गलत देता, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब यार फेफड़ों से पढ़ाते हैं आप समझो, मतलब समझ शब्द नहीं है, ये मजबूरी है कि कोरोना ने ऑनलाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दिया है मामला, वरना मौसम तो वहीं बढ़ता जहाँ बढ़ता है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ते हम सारी फैकल्टीज पूरी टीम की, आपको ऐसा लगे महसूस हो कि नहीं यार ये ऑनलाइन वाला कंसेप्ट ऑफलाइन से बहुत कम पढ़ा रहे हैं, हम दुगने जोश से पढ़ाते हैं, तो आप लोगों का भी चाहिए ही चाहिए, खैर ज्ञान देता नहीं हूँ ज़्यादा, ढुल जाता है ज़्यादा ज्ञान देने से, सीधा आदमी हूँ, देसी आदमी हूँ, खोपड़ी में जो आता हूँ मैं कह देता हूँ भाई, ठीक है, थैंक यू, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, आंसर इसका आंसर दीजिए, चौथा क्वेश्चन है आपके आंखों के सामने, सवाल आपके आंखों के सामने लिख रखा है, कमरा मैंने बना रखा है, स्टार कॉपीराइट एट द रेट ऑफ डॉलर साइन हैशटैग, प्लीज आप बताएं। सुमित्रा मैं सही कह रहा हूं बेटा, आप माना करें, बलबीर गुजर प्रियंका भाभी के क्या है हाल गुरुदेव, भैया प्रियंका भाभी चिल्ड है, याद है तुझे क्लास में भी, अभी भी तेरी प्रियंका भाभी है, शाबाश, बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बड़े दिनों बाद नाम सुना है भाई, है बलवीर कैसा है भाई बुनकर, यार सुरेंद्र जांगिड़ मैं आपसे अनुरोध करता हूं, समझिएगा सामने खड़ा हुआ व्यक्ति एक मानव प्रजाति है, ये कतई मशीन नहीं है, आप वहां क्वेश्चन दिए जा रहे हो, लपकाए जा रहे हो और फिर मैं इधर अलग चीज पढ़ा रहा हूं, है ना, तो बेटा ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आप लास्ट वीडियोस देखे आपको खुद को पता चल जाएगा, जो आप क्वेश्चन दे रहे हो उसका आंसर आप खुद ब खुद निकाल लेंगे, तो आप घबराए नहीं। नमस्ते सुरेंद्र जांगड़, नमस्ते सर, नेटवर्क को मिला दो, कहां से मिला दूं, नेटवर्क आ तो रहा है, एक पॉसिबिलिटी दूसरा राइट, ओके पहला पॉसिबिलिटी देन सेकेंड इज कन्फर्म राइट, देखते हैं देखते भैया, पहला पॉसिबिलिटी है सेकेंड राइट है, आराम से बताते जाए, ओके अक्षी जोशी बड़ी देर बाद आंसर आया, सेकंड इज राइट, विजेता मुदगल, सुरेंद्र जांगड़ उलझा हुआ हूं बेटा, किस बात में उलझा हुआ है, सुलझा देंगे घबरा मत, अंकुर शर्मा बुलेट राजा, ठीक है, दो सही एक गलत, दो सही एक गलत, आने दो भाई, दो बचीड़ फेंको, चलो फेंको, ठीक है क्लियर करते हैं, इसको भी देखते हैं भाई क्या कहना चाहता है ये भाई, देवता तू भी कुछ कह दे, ले भाई इसको भी कहलवाते हैं, ये से बोल रहा है भाई एन स्टार टी, यानी कि ये ऐसे कह रहा है कि जो एन है वो बड़ा है किससे, टी से, देन टी एट द रेट ऑफ क्यू, जो टी है वो बड़ा या बराबर है किसके, क्यू के, देन क्या बोल रहा है भैया, क्यू डॉलर साइन जे, क्यू छोटा या बराबर है किसके, जे के, लो भाई ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है जे डॉलर साइन टी, यानी कि जे छोटा या बराबर होगा टी के, तो टी बड़ा या बराबर होगा किसके, जे के, तो टी बड़ा या बराबर है जे के, बाबू रे मगरमच्छ का वो उल्टा सीधा है, संभावना है नॉन रिलेशनल, ध्यान दीजिएगा, एन एट द रेट ऑफ क्यू, इसका मतलब है कि जो एन है वो बड़ा या बराबर है किसके, क्यू के, तो भैया एन में और क्यू में, ना बाबू एन तो क्यू से बड़ा ही है, बराबर की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये कन्फर्म गलत है, तो बोथ आर नॉट फॉलोइंग, आंसर क्या था भाई, दोनों ही गलत है, दोनों ही अनुसरण नहीं है, बिल्कुल बचेड़ लगा दे आप, कोई इशू नहीं है, एक सेकंड, कोई इशू नहीं है, आंसर बताते रहे, सर दुखी हो गए गलत आंसर देने से, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत आंसर देने से कोई दुखी नहीं होता, बस थोड़ी सी तकलीफ होती है,
ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर सही है। यहां से एक अंतिम सवाल और है, इसके बाद में कई क्वेश्चन और बढ़ते हैं, खैर समय सीमा की घोषणा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं, आगे वाला सवाल लेते हैं। ये सवाल आंसर आना तो भाई, सॉरी सर देखा ही नहीं, कोई बात नहीं बाबू कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग नरेंद्र मीणा, के कॉपीराइट बी, बी डॉलर साइन, डी डी स्टार एफ, डी स्टार के देन एफ स्टार के, आंसर प्लीज। होता है बिल्कुल होता है आरजे सिंह, होता है बेटा, और आप खुश रहें आबाद रहें, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि जब भी आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगी केवल कहने वाली बात नहीं है भाई, माता पिता के बाद में वो ही शख्स होता है जिसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, वो होता है टीचर। आप माने या ना माने वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी कोई भाई या बहन मेरे को बोलता है कि सर आज वहाँ लग गए वहाँ पोस्टिंग है, तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सफलता में हम जैसे भाइयों का भी कुछ योगदान है, बस इतना सा है। तो आप तो करते रहें, घटना घटाते रहें, फर्स्ट राइट है देन सेकंड इज पॉसिबिलिटी, फर्स्ट राइट सेकंड इज पॉसिबिलिटी, रवि कुमार का सही, अंकुर भी सही जवाब दे रहा है, सविता, मोनिका, सोनल, आरजे सिंह, योगेश, अक्षी जोशी, ठीक है बेटा चिल रहे हैं। चलो तो फिर थैंक यू नरेंद्र मीणा, धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपके बात सुनकर, लवली डियर, ठीक है फेंको भाई, देखो ढंग से देखो, इसको जाने मत दो, छोड़ो दो, इसको लपका दो, के कॉपीराइट बी, तो इसका मतलब है बाबू रे जो के है वो छोटा है, छोटा है किससे, बी से, के छोटा है किससे, बी से, और बी डॉलर साइन, डी डॉलर साइन का मतलब है बी भी ऑलरेडी छोटा या बराबर है किसके, डी के, देन डी स्टार एफ, और जो डी है वो बड़ा है किससे, एफ से। अब भाई ये कहना क्या चाहता है इसकी भी सुनो कि देवताओं, ये बहुत दुखी आत्मा सा हो रहा है कि डी स्टार के मतलब जो है कि डी जो है वो बड़ा है किससे, कैसे। अब बाबू डी कैसे बड़ा है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, देखते हैं। डी बड़ा है बी से, और भाई रे ये कॉमन हो गया तो डी बड़ा होगा कैसे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, पहला तो सही है, पहला तो सही है बाबू। अब उसके बाद एफ स्टार के, एफ जो है वो बड़ा है किससे कैसे, एफ जो है वो बड़ा है किससे कैसे, तो एफ में और के में तो भाई रे मगरमच्छ के मुंडे आडे टेढ़े हो रहे हैं, और ये तो कतई संभावना है, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। ये अपना अंतिम सवाल था आज की क्लास का, तो सभी भाइयों से निवेदन है कैसी रही क्लास, तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद भाई, फिर मिलेंगे, थैंक यू धन्यवाद।